पांच वर्ष तो उनके बढ़ गए थे, दोनों नाती नानू और सानू बड़े भक्त हैं। बाकी बात है, आज बड़ा सुंदर दिवस है, यहाँ इस मंडी में आए हुए हैं, ई ब्लॉक में सन वैली, यहाँ जो है हमारे विष्णु शर्मा जी बड़े भारी भक्त हैं। ये बहुत इनके पिताजी भी हमारे बहुत भक्त रहे, हमको भगवान के रूप में मानते थे, बड़े धार्मिक थे, सामाजिक थे, कई जगह मंदिर बनवाए, कई कथाएं, कहीं कृष्ण कथा, कहीं राम कथा, कहीं शिव कथा कराती रहती थी। उनको जो है इतने धार्मिक थे कि उनको नजर लग गई, तो वास्तव में ही वैसे तो उन्हें आश्रय दिया था कि अजर अमर रहें, लेकिन पांच वर्ष तो उनके बढ़ गए थे, धर्म के आधार से, गुरुओं के आशीर्वाद से, फिर भी वो यहां से वैकुंठ स्वर्ग लोक में रह करके यहां हमारे प्रिय शिष्य विष्णु जी के लिए उनका आत्मा आश्रम उनके साथ में है, वो इसी कर्म लगे हुए हैं। उनकी माता श्री बहुत भक्त हैं, वृंदावन धाम निवास कर रही हैं। वो कहती हैं कि उज्जैन में रहेंगे, वृंदावन के चित्रकूट में ही रहेंगे, तीर्थों में निवास करेंगे, ये भक्ति का ही प्रभाव है। उनकी अभी भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं, त्रिपाठी जी की आज्ञा का पालन, तो विशेष रूप से हमें बड़ी प्रसन्नता है यहाँ करके। उनके दोनों नाती नानू और सानू बड़े भक्त हैं, जब से हम आए तब से हमारे पैर दबाने के लगे हुए हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है। पूरे परिवार के ऊपर वास्तव परिवार भक्त है, ज्ञानी है, धर्म कार्य में रहते हैं, यदि दिन बढ़ते रहे इनको हम आशीर्वाद देते हैं। साथ साथ में ही धनरेवा धाम के लिए वो तत्पर रहते थे। धनरेवा धाम में जब पहुंचे तो पहुंच करके वहां हमने उनसे कहा दो शब्द बोलो, तो सबको आशीर्वाद दिया, सभी को आशीर्वाद देने के बाद मंदिर में गए, हनुमान जी के दर्शन की प्रार्थना की। हनुमान जी अच्छे भले बिल्कुल, योगियों की मृत्यु ऐसे ही होती है, और यहाँ पे आए, यहाँ पे बोलन पहुंचे, तो दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया। तो वास्तव में ही ये भक्ति का विशेष प्रभाव था, उनको कष्ट नहीं हुआ, वहां से हमारे सबको आशीर्वाद दे रहे। साथ साथ में नरेवा धाम में दर्शन करने के बाद में, और कई कथा नरेवा धाम में, कहीं लखनऊ वाले शास्त्रीय कथा, कहीं गिरिजेश शास्त्री कथा, कहीं इंद्र देवी कथा, ये सब कथा हमने ग्वालियर अपने आश्रम में कराई, दीनदयाल नगर में, नरेवा धाम में भी कराई, और अन्यत्र कराते रहते थे।